वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, जिवें आप सारे जानते हो, जो हर साल गुरद्वारा नानकसर साहब समराला चौंक विखे अति सत्कारयोग श्रीमान संत बाबा जसवंत सिंह जी की प्रेरणा नाल धन धन साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पातशाह की कृपा सदका, रहमत सदका, बख्शिश सदका, जो सालाना महान गुरमत समागम इन्हां स्थानां ते मनाए जांदे हन। इस साल इह समागम 20 तरीक नूं आरंभ हो जाणगे। 20 नवंबर नूं श्री अखंड पाठ साहिब जी दी आरंभता होवेगी। 21 तरीक नूं अमृत संचार होणगे। 22 तरीक नूं अखंड पाठ साहिब जी दे भोग पैणगे अते सारा दिन संत समागम होणगे। 23 तरीक नूं शाम नूं कीर्तन दरबार की प्रारंभता होगी और रैन सबाई दरबार सजणगे, जो कि अगले सवेर नूं समाप्त होणगे। इन्हां सारिआं समागमां दा जो एसेंस है, जो उपराला है, वह यह है कि गुरु कीआं संगतां नूं गुरु की मत नाल जोड़ना। गुरमत, गुरमत की है? शब्द, शब्द नाल जुड़ना है। सारा इस समागम जो पिछले कई सालों तो, कई दहाकियां तो संत बाबा जसवंत सिंह जी उपराला करिया करते सन, इस समागम इस साल श्रीमान संत बाबा जसवंत सिंह जी की निघी मिठी प्यारी याद नूं समर्पित हन। उन्हां नूं 20 नवंबर नूं उन्हां दे शरीर नूं गया नूं 1 साल होना है। असी इत्थे बरसी का समागम नहीं है सत संगत, क्योंकि बरसी तो उसकी है जिसकी मौत होवे। शरीर जाता है पर शब्द नहीं जाता। सिख नूं हुक्म है शब्द नाल जुड़ने का, और बाबा जी ने अपने सारे जीवन काल विच गुरु की संगतां नूं केवल गुरु के शब्द नाल जोड़िया, केवल शब्द का होका दिता, आप जपया और अनेकां नूं जपाया। जिहड़ा शब्द नाल रज्या है उही रजा सकता है, जिसने शब्द नूं पेख्या है, देखिया है, जाणिया है, उही जना सकता है, उही जता सकता है। सो सतगुरु पातशाह कृपा कर रहे हन, हर साल की तरह यह समागम उसी तरह होणगे, और आप संगतां ने उसी तरह वध चढ़ के आना, सतगुरु पातशाह दी असीसां प्राप्त करनियां, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के दर्शन करने, गुरु के प्यारियां दी रसना राही सतगुरु पातशाह दी बाणी नूं सरवण करना, वध चढ़ के आके शब्द गुरु दे लड़ लग के शब्द गुरु दीआं खुशियां प्राप्त करनियां। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।